गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज असी अपने विषय तो हटके थोड़ा सिलेबस बारे नॉलेज लैने हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर जोड़े सबजैक्ट्स ने वो किड़े किड़े ने, सब तो पहला देखते हैं असी चार समेस्टर के बीएड कोर्स है जोड़ा वंडिया होया है। तो समेस्टर वन तो टू ने जोड़े वो फस्ट ईयर के आते हैं, टोटल पेपर 14 ने फस्ट ईयर के, 7 सैम वन दे विच ते 7 सैम टू दे विच। सब तो पहला सैम वन दे पेपर देखो, पेपर वन फिलोसफिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन, पेपर टू साइकोलॉजिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन, पेपर थ्री टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, जेडे कि तुहाडे सारयां लई कंपलसरी ने, चाहे बच्चा किसी भी स्ट्रीम का है। साइंस वाले ने नहीं समझना कि असी सिर्फ साइंस के सब्जैक्ट पढ़ांगे, तो बी एड दे विच थोड़ा हटके हुंदा है, जिहड़े कंपलसरी हुंदे ने टीचिंग लई सब्जैक्ट सारयां दे ही हुंदे ने। तो ये तीन पहले जिहड़े ने पेपर ने वह 100-100 मार्क्स दे ने, जिहदे विच 70 मार्क्स थ्यूरी दे ने, ते जिहड़े तुहाडे अपने ने 70 मार्क्स, ते 30 मार्क्स ने जिहड़े वह इंटरनल असैसमेंट दे ने। क्लीयर। अगे पेपर फोर दे विच पैडागोगी ऑफ स्कूल सब्जैक्ट वन पार्ट वन, तो तुहाडी स्ट्रीम दे अकॉर्डिंग तुहाडे स्कूल सब्जैक्ट होणगे। तो पहला जिहड़ा सब्जैक्ट आ पेपर फोर आ जिहड़ा तुहाडा पहला सब्जैक्ट होगा, जिवें लैंग्वेजिज ने हिंदी पंजाबी इंग्लिश, जिन्हां ने बी ए दे विच इलैक्टिव पढ़ी हुई है उन्हां लई वो लैंग्वेज होगी जिहड़ियां तुसीं फिल कीतियां होईयां ने। इस तों इलावा साइंस मैथ वालियां दे साइंस होगा जां मैथ होगा, इस तरह कमर्स वालियां दा कमर्स, इकनोमिक्स जां लैंग्वेज, जो भी तुहाडा सबजैक्ट रख्या होया स्पैशल जिहदे च तुसीं टीचिंग दी जिहड़ी एलिजिबिलिटी हासिल करनी आ, वह सबजैक्ट होगा सबजैक्ट वन, ते दूसरा सबजैक्ट इस तरह होगा सबजैक्ट टू। तो इत्थे जिहड़े फस्ट समेस्टर दे विच इहदा पार्ट वन पढ़ाया जाता है, दोनों सबजैक्ट्स का, सबजैक्ट वन का भी पार्ट वन पढ़ाया जाएगा ते सबजैक्ट टू का भी। तो ये दो सबजैक्ट ने जिहड़े डिफरेंट होणगे तुहाडी ग्रैजुएशन के अकॉर्डिंग होणगे। ही नैक्सट हैगा जिहड़ा कंपलसरी पेपर आ 6th पेपर, लाइब्रेरी रिसोर्सिज एंड आर्ट एजुकेशन, ये सारे बच्चों लई कंपलसरी है फस्ट समेस्टर दे विच। नैक्सट लास्ट पेपर हैगा फस्ट समेस्टर का पेपर 7th, एक्सपीरियंटल लर्निंग, ये भी सारे लई की है कंपलसरी है। तो इस तरह नाल तुहाडे सबजैक्ट ने जिहड़े 5 सबजैक्ट ने फस्ट समेस्टर दे विच, पहला दूजा तीजा 6वां ते 7वां वो कंपलसरी ने, बाकी जिहड़े 4था ते 5वां ने तुहाडे टीचिंग दे अकॉर्डिंग ने। नैक्सट तुहाडा हैगा सैम टू दे, इस तरह अगे कंटिन्यू होणगे पेपर 8th जिहड़ा है वह सोशियोलॉजिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन, कंपलसरी है सारयां लई। पेपर 9th एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन कॉन्टेंपरेरी इंडिया, ये भी सारे लिए कंपलसरी है। पेपर 10th करिकुलम डिवेलपमेंट, ये भी सारे बच्चों लिए कंपलसरी है। एज इट इज़ ये भी तीन जिहड़े सब्जैक्ट ने वह 100-100 मार्क्स के ने, तो 70 मार्क्स प्लस 30। नैक्सट तुहाडा 11th पेपर आ जिहड़ा सेम कंटिन्यू होगा पिछले समेस्टर दे तो अगे, सेम बुक्स होणगियां, पैडागोगी ऑफ स्कूल सब्जैक्ट वन पार्ट टू होगा इहदा अगे। फिर नैक्सट सब्जैक्ट तुहाडा पेपर 12th पैडागोगी ऑफ स्कूल सब्जैक्ट टू, इहदा भी पार्ट टू होएगा। नैक्सट सब्जैक्ट हैगा तुहाडा स्कूल मैनेजमेंट, 13th जिहड़ा पेपर आ स्कूल मैनेजमेंट, जिहड़ा कि सारे बच्चों लई कंपलसरी है। फिर 14th एनरिचिंग लर्निंग थ्रू ICT, ये भी सारे लई की है
कंपलसरी है। तो इस तरह नाल जिहड़े ये सत्त सबजैक्ट ने सैकेंड समैसटर दे विच ए भी पंज कंपलसरी ने ते टू तुहाडे जिहड़े ने उह टीचिंग सबजैक्ट्स ने। तो इस तरह ने कुल टोटल 14 बनते ने जिहड़े पेपर 6 ते पेपर 7 यह 50-50 मार्क्स दे, पेपर 4 ते पेपर 5 यह भी 50-50 मार्क्स दे ही होणगे। ता इना दे विच 35+15 दी रेशो होएगी थ्योरी दे असैसमेंट दी। इस तरह तुहाडे सैकेंड समैसटर दे विच पेपर 11, 12, 13, 14 ये 50-50 मार्क्स के होंगे 35+15 तो 15 नंबर असैसमेंट तो 35 तुसी आप लेने ने। तो इस तरह नाल जी ये जिहड़े सबजैक्ट होंगे पहले 3-3 पेपर कंपलसरी, फिर अगले 2 पेपर ने जिहड़े वो तुहाडी ग्रैजुएशन के अकॉर्डिंग, तो अगले लास्ट 2 पेपर ने जिहड़े वो की ने कंपलसरी ने सारे लिए। तो मैं लगता कि तुहानू समझ आ गया होएगा कि जिहड़ा फस्ट ईयर आ बी एड का वो किस तरह डिवाइड किया होया है, ये मार्क्स किस तरह डिवाइड किए हुए ने, तो जिहड़े सबजैक्ट नेम की ने, किहड़े कंपलसरी ने सारे लिए और किहड़े ने जिहड़े वो अपनी अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ने। तो SST दे विच काफ़ी कॉम्बीनेशन ने, जिमें किसी ने इकनोमिक्स सोशियोलॉजी या हिस्टरी पोलिटिकल साइंस जा रिलीजन इस तरह के सबजैक्ट पढ़े ने, दो सबजैक्ट ने तो उन्होंने फिजिकल भी ये विच ही आ जाता है। तो इस तरह नाल तुहाडे कॉम्बीनेशन बनते हैं SST का। तो लैंग्वेज का सेम आ कि तुसी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उहदे नाल तुहाडा लैंग्वेज का बनता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से तुहानू ये क्लीयर हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे ग्रुप के किहड़े सबजैक्ट ने जी किवें आ। तां जो भी असीं तुहानू वीडियोज़ पाउने आ कंपलसरी पेपर्स की, प्लीज़ वो देखिया करो, ध्यान नाल अंडरस्टैंड करो। जिनी देर प्रॉपर क्लासेस नहीं लगदियां तां इस तरह नाल की आ तुसीं अपने सबजैक्ट मैटर के अकॉर्डिंग थोड़ा जिहा जिहड़ा टच हो जाओगे बी एड नाल, ते अगे तुहानू रेगूलर क्लासेस दे विच मुश्किल नहीं आएगी समझण नूं। तो पेपर ने जिहड़े यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होणगे। सैकेंड समैसटर की जिहड़ा सैकेंड ईयर आदि गल असी बाद करांगे क्योंकि चेंजिज ने जिहड़ियां हो सकदियां ने सबजैक्ट्स के विच जां तुहाडी टीचिंग प्रैक्टिस के रिगार्डिंग जां कोई भी होर। तो इस तरह नाल असी उस दी गल अजे नहीं करांगे, फिलहाल असी फस्ट ईयर दी समैसटर 1 ते 2 की गल की है। तो तुसी सारे इसनू ध्यान नाल देखो समझो, तो जिहड़ा वीडियोज़ नू वाच करो ता कि तुसी सबजैक्ट मैटर जिहड़ा वो कर सको। जिहड़ी शॉर्ट वीडियोज़ ने वो हैडिंग लई ने तुहाडियां, तो हैडिंग नू फॉलो करके उसनू अगे इलैबोरेट करन दी कोशिश करिया करो। ओके, फिर मिलांगे अगले साल दे जिहड़ा तुहाडा करिकुलम आ डिवाइड करन वास्ते। तो उन्नी देर तक तुसी जिहड़ियां तुहाडियां सिलेबस दियां वीडियोज़ ने उन्हां नू देख देख के अपना बुक्स खरीद लो। लाइब्रेरी तो भी बुक्स मिल सकदियां ने, ते जे सैकेंड हैंड मिलदियां ने खरीद लो ते अपना जिहड़ा सिलेबस आ उसनू शुरू कर लो। ओके जी, थैंक्स।